राहुल इंटि वद्द पोलीसुल हैड्रामाकु तेरपडिंदे। राहुल इंटि नुंचि ढिल्ली स्पेषल सीपी सागर प्रीताहुड वेनितिरिगारु। अंतकुमुंदु ढिल्ली पोलीसुलकु व्यतिरेकंगा कांग्रेस कार्यकर्तलु आंदोलनकु दिगारु। दींतो पोलीसुलु कांग्रेस कार्यकर्तलनु अरेस्ट् चेशारु। भारत जोड़ो यात्रा संदर्भंग श्रीनगर लो राहुल प्रसंग विवरण को महिला इपटे लैंगिक वेधिंक राहुल बाधि विवरा चर्यल दीन इपटे ढिल राहुल को नोटिस जारी नोटिस जारी राहुल इंटी कांग्रेस कार्यकर्त आंदोलन को दिगार निरसन व्यक्त राहुल गांधी ने कलिसी महिला बाधितुल समाचारं कोरेमन्नारु ढिल्ली स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुडा। पोलीसुलु अडिगिन समाचारं इच्चेंदुकु राहुल तनकु कोंत समयं कावालन्नारनि चेप्पारु। वेधिंपुलकु गुरैन महिळल विवरालु चेबिते बाधितुलकु न्यायं चेस्तामनि इनको कुछ समय लगेगा और जैसे ही वो तैयार हो जाता है वो हमें देंगे। इसके अलावा हमने एक उनको रिटर्न में नोटिस दिया है, नोटिस उनके ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो हमें उसका जवाब देंगे। उसके बाद फिर आगे कार्रवाई होगी। अगर पूछताछ की जरूरत होगी तो पूछताछ की जाएगी और अगर इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हम आगे कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। हमारी बातचीत हुई है, जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो हम माननीय एमपी महोदय श्री राहुल गांधी जी से ले रहे हैं, क्योंकि बयान ऑनरेबल एमपी का था। तो उस बयान में जो जो बातें हुई हैं उनके ऊपर हमने उनको कहा है कि जो विक्टिम हैं जिनके बारे में ऑनरेबल एमपी ने बात की थी श्रीनगर में, उन महिलाओं को आगे कोई नुकसान ना हो या कोई एविडेंस का लॉस ना हो, इसलिए वो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जितना जल्दी हमें जानकारी मिलेगी हमारी कानूनी प्रक्रिया उतना जल्दी शुरू होगी और जो महिलाएं हैं उनको फर्दर एब्यूज से बचाया जा सकता है। राहुल इंट్లోకీ పోలీసులు రావడాన్ని తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు రాజస్థాన్ సీఎం అశోక్ గెహ్లట్. నోటీసులపై సమాధానం ఇస్తారని రాహుల్ చెప్పినా పోలీసులు ఆయన ఇంటికి ఎందుకు వచ్చారంటూ ప్రశ్నించారు. కేంద్రం నియంతృత్వ ధోరణితో వెళ్తోందని ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూని చేస్తోందంటూ మండిపడ్డారు. కేంద్రం అమిత్ షా ఆదేశాలు లేకుండా పోలీసులు తనిఖీలు చేయలేరు అన్నారు. జబ్ రాహుల్ గాంధీ జీని కే దియా నోటీస్ మీకు మిల్ గయా హై మే ఇస్కే జవాబ్ దే రహా హూ ఆప్కో उसके बावजूद भी पुलिस का यह आना, उनके घर जाना, घर के अंदर घुसना, ये याद दिलाता है इंदिरा गांधी के जमाना। जब इंदिरा गांधी के जमाने के अंदर इस प्रकार की हरकतें हुई थी तो उसका परिणाम क्या हुआ सबको मालूम है। सबको मालूम है क्या हुआ, मुंह की खानी पड़ी थी उन लोगों को। आज जो घटना हुई है ये घटना मामूली नहीं है। इनकी हिम्मत कैसे हो गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हमारा राष्ट्रीय नेता है, उसके यहाँ पर जाके पुलिस बिना कोई कारण के वो नोटिस का जवाब देने तैयार है, उसके बावजूद भी आप उनके घर में घुस जाओ, ये पूरा देश देख रहा है। पुलिस का कहना था नोटिस इनको माफ नहीं।